तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह हमारी बीवी जल्दी नहा के, और आज उसने सोचा था कि चावल बनाती हैं और नाश्ता हो जाएगा, तो ये देख लीजिए सारी चीज़ें कटी हुई हैं। मिर्ची कट चुकी हैं, आलू कट चुकी हैं, प्याज कट चुकी है, और ये हरा धना कट चुका है। और ये देख लीजिए तेल में ये सब सामान डल रहा है। और हमारी बीवी सुबह सुबह नहाकर और सा भगवान की पूजा करके और ये नमकीन चावल बना रही है। तो देख लीजिए बहुत ही आसान रेसिपी है और 5 मिनट में बन जाती हैं और बहुत बढ़िया लगती हैं। हम तो इसी पद्धति से बनाती हैं, आप देख लीजिए। तो और बढ़िया आप खाएं और आप बनाना सीखें। जी, अगर तो जैसे खाना में अगर देर हो रही है तो जल्दी से ये पोहे बना लीजिए और खा लीजिए। जल्दी अगर रेसिपी बनाना है तो चावल बन जाते हैं, बहुत जल्दी उबल जाते हैं, और सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। हमारा तरीका जो है जो आप देख सकते हैं। और बताइए दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जो हमारा चैनल है विद्या सुरन ब्लॉग के नाम से, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि कितनी कमी है हमारे चैनल में। अगर हमें लगता है कि हमारी चैनल में कुछ कमी है तो हम उनको दूर करने का कोशिश करेंगे, और किचन की कुछ टिप्स अलग अलग ब्लॉग में हम बताएंगे। और सुनाइए आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं, बस भूख लग रही थी बहुत जोर से, तो मैंने सोचा जल्दी से चावल बना लो। अच्छा, और क्या, तो जल्दी से चावल बना दिए का प्रोग्राम बनाया है। और देख लीजिए ये चावल उबाल लिए थे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपका प्याज आलू वगैरह थोड़ा तल जाएं तो ये चावल जल जाएंगे और नमकीन चावल बन के तैयार हो जाएंगे। और बढ़िया बैठ के दोनों मियाँ बीवी भी हम खाएंगे। तो बस ये छोटी सी रेसिपी आपके लिए हमने तैयार की है। हालांकि सभी घरों में चावल ऐसे ही बनते हैं, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ कुछ जगह सभी जगह ऐसे ही बनती हैं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और अगर आपकी वो रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में डालने का कुछ वो नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बस आलू है, प्याज है और मिर्ची है और चावल उबले सरसों हुए हैं, सरसों सरसों हैं, तेल में सरसों डाल दी थी। है, पहले पहले सरसों, बाद में मिर्ची, फिर आलू और फिर प्याज है, तीनों चीजें, मतलब थोड़ी थोड़ी बाद। और क्या, अब क्या कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी खाना तो बन ही नहीं सकता है, तो सही है। मैंने सोची मैंने कहीं चावल बना लूं, खा लेते हैं, फिर 3-4 बजे खाना बना लेते हैं, क्योंकि ये तो खाते नहीं है, हमारे पति तो लेट ही खाते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने करीब 1 साल हो गई है मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, क्योंकि भोजन आदमी को उनसे खाता खाता ही है नहीं है खाना, और आदमी दोनों भोजन टाइम को में नहीं, खाते ही नहीं है खाना, तो दोनों टाइम में खाना खाता नहीं हूँ। लेकिन मुझे जरूर नागे बहुत जोर से भूख लगती है, मैं तो खाना खाती हूँ, बस मैंने नहाया है और मुझे भूख लगती है तो कुछ भी खा लेती हूँ बना के। और आज देखो भूख लग रही है तो मैं चावल बना रही हूँ और खा के नहीं, और बस आज हम जा रहे हैं गादेर गुफा घूमने के लिए, फिर आपको वहां का नजारा दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि सबको गादर सबको गुफा राधे पर, राधे। गादर गुफा पर एक ब्लॉग बनाएंगे हम। बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और देख लीजिए हम भी कुछ कुछ किचन में बनाते ही रहेंगे। और ये हमारे चावल फाइनली जल चुके हैं। अभी
और ये देख लीजिए। और दोस्तों आप क्या बना रहे हो खाने में सुबह सुबह आप ये कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या बनता है सुबह सुबह नाश्ते में। और ये देख लीजिए पहले भी कलर हल्दी हम नहीं डालते क्योंकि सफेद चावल इनसे पुलाव कहते हैं अच्छा लगता है तो इसलिए देख लीजिए आप कलर कैसा कलर आया है। और ये हरा धनिया डल चुका है तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को दोस्तों ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों।